नहीं, जब सुबह हुआ तो समझ ही नहीं आया हमको, अगर मुझसे मिलने आना था तो दरवाजे के बाहर क्यों बैठ गए, तो मेरे पास सीधे ही अंदर आ जाते। विपक्ष के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बाहर आके नारे लगा रहे थे। अच्छी बात है, नारा लगाना लोकतंत्र का एक विपक्ष का हथियार है, उसमें हम कोई उनका विरोध नहीं करते। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप मिल ऊपर विधानसभा के सभागार में आप झूठी स्टेटमेंट देते हो, जिस तरह आपने संस्थान खोलने में लोगों को ठगा है, उस तरह आप सभागार में आकर झूठी स्टेटमेंट देते हो कि हम तो मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे। अगर मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे, कोई आपको बाहर रोक सकता है? आप विपक्ष के नेता है, सभी चुने हुए विधायक सम्मानित है। फिर हमारा जब मैं बाहर निकला तो उठ के बाहर की तरफ जाने लगे, और किस प्रकार का वक्तव्य वो अंदर दे रहे थे, तो उसमें सत्ती जी और पवन काजल जी बाहर जाने चाह रहे थे। हमने बोला हमारे साथ चलो, कोई मांग है तो बताओ। इस दृष्टि से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें सच बोलना चाहिए। यही हमारा उनसे अनुरोध रहेगा कि जो वास्तविकता है वो जनता के सामने आनी चाहिए। ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि इस विधानसभा की अपनी गरिमा है, इस विधानसभा के इतिहास में आज तक कोई लोहे की चेन लेकर नहीं आया। 75 साल का इतिहास हो गया इस विधानसभा में, और लोहे की चेन लेकर आए, कोई वारदात हो जाती, कोई घटना हो जाती, कौन जिम्मेवार था इसका? आप आइए विरोध करिए, विरोध के कई तरीके हैं, लोहे की चेन लेकर आने का कोई मकसद नहीं है, किस उद्देश्य से आए? ये गलत बात है उनकी, और हम कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है कि इस प्रकार की वारदात नहीं होनी चाहिए। और हम उनसे बैठकर भी बात करेंगे कि इस प्रकार के हरकतों से अच्छा नहीं होता है। आपका विरोध करिए, आप विधानसभा में हमें तर्क वितर्क के आधार पर घेरिए, हम आपकी सब चीज़ों को सुनने के लिए तैयार है। मैंने तो कल ये भी कहा कि जब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी उठना चाहे उठ सकते हैं, मैं बैठ जाऊँगा। फिर भी वो हमारी बात को नकार रहे हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं बात करना चाहते हैं। अगर आप चुनकर आए हैं तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को तो रखिए, रख ही नहीं रहे हैं। 2-3 दिन से लग रहा है ऐसे कि वो पिछला वॉकआउट हुआ नहीं तो उन्होंने सोचा कि हम कल तो वॉकआउट कर नहीं सके तो आज सुबह ही वॉकआउट करके चले जाते हैं, विदाउट नोटिस, विदाउट पॉइंट ऑफ ऑर्डर उन्होंने एक बात बोली, आप भी देख रहे होंगे। तो ये बड़ी दुखद बात है, और मैं चाहूँगा विपक्ष के सभी विधायकों से भी और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी से भी इस विधानसभा की गरिमा को बनाए रखें। आर्थिक बदहाली के दौर से ये प्रदेश गुजर रहा है, उप मुख्यमंत्री महोदय और हमने बड़ी मेहनत से इस बिल को बनाया है। भारतीय जनता पार्टी तो कभी राजस्व बढ़ाने की बात सोच नहीं सकती थी, उन्होंने जनता के धन को, आप लोगों के धन को ऐसे बांटा है कि हिमाचल की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं, अगर हम बिल लाने की हमारा मकसद क्या है, इच्छा क्या है, रात को 2 बजे उप मुख्यमंत्री बिल को साइन करते हैं, हम अगले दिन पहले दिन ही विधानसभा में लाते, क्या इच्छा है? कि हमारे पास जो बहता सोना है, जो पानी के रूप में बह रहा है, उसमें किसी ना किसी तरह से हमारे राज्य का राजस्व बढ़े, इस दृष्टिकोण से ये बिल लाया, और हमने प्रयास किया। और आज सबकी सहमति से, विपक्ष के नेताओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जयराम ठाकुर जी सबकी सहमति से हमने इस बिल को पास किया। पिछली सरकार का कुप्रबंधन इतना ज़्यादा है कि उन्होंने जनता के पैसे को खुलकर लूटा है, बांटा है, इसलिए ये जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का जो 1% कम आया है, इसका कारण मुख्य कारण है। पर हम इसको गुड गवर्नमेंट के लिए, गुड गवर्नेंस, अच्छे शासन के लिए, अच्छे प्रशासन की ओर बढ़ रहे हैं।